अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं हम ओप्पो का रिनो प्लस। तो ओप्पो रिनो प्लस का पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है और उसकी जो क्या प्राइस होंगे, उसमें जो इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं उसमें क्या आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके वजन की। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको मिलता है 9.0 का आपको इसका एंड्रॉयड वर्जन मिलता है। तो इसके साथ आपको इसमें जो है इसकी सिम्स की बात करें तो आपको इसमें डुअल सिम मिलती है, नैनो सिम दोनों इसमें सपोर्टेड हैं। और इसमें जो है 3G और 4G आपको देखने को मिलता है। तो 3G और 4G आप इसमें चला सकते हैं इंटरनेट, और डेटा जो है इसका 3G और 4G सपोर्टेड है। और उसके बाद बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। दोस्तों प्रोसेसर इसका अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है इसमें, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। आप उसकी परफॉर्मेंस को जानते ही होंगे, ऑक्टा कोर जो काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त प्रोसेसर है हर मोबाइल्स के लिहाज से। तो आपको ये डिवाइस में ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाए तो बहुत अच्छा प्रोसेसर है ये। अब बात कर लेते हैं इसके हम जो है LCD की। तो दोस्तों इसमें LCD नहीं है, इसमें है LED पैनल। तो LED पैनल जो है सैमसंग वगैरह में आपको देखने को मिलता है, जो ओप्पो के काफ़ी मोबाइलों में LED पैनल आया है। तो LED पैनल की तो बात ही अलग होती है, उसका जो रिजल्ट होता है उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन LED पैनल जो है बस उसमें एक नुकसान है आपको, अगर आपका मोबाइल गिर जाता है तो आपको LED पैनल बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए उस मुकाबले में आप LCD पैनल अगर लेते हैं किसी भी मोबाइल का तो आपको वो आसानी से कम पैसों में मिल जाता है, आप उसमें डलवा सकते हैं, उसका पैनल लगवा सकते हैं कम पैसे में। तो उसका LED पैनल जो है वो महंगा होता है, बस इसमें ये फ़र्क है, ये मसला आता है थोड़ा सा अगर किसी का मोबाइल टूट जाता है, डैमेज हो जाता है। और उसके डिस्प्ले के जो साइज़ है वो आपको मिलता है 6.4 का। दोस्तों 6.4 इंच के इसका आपको डिस्प्ले मिलता है, जो आपके गेम्स वगैरह पबजी वगैरह आप खेलते हैं तो आपको मज़ा आता है उसमें, और वीडियोज़ वगैरह देखने में काफ़ी ज़बरदस्त है। और अब इसकी रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी रेजोल्यूशन फुल HD है, जो 1080 फुल HD रेजोल्यूशन है इसकी। और इसमें जो PPI है, जो इसमें गेम्स वगैरह के लिए PPI है, वो आपको मिलती है 403 गेम्स वगैरह खेलने के लिए। और अब इसकी बात कर लेते हैं इसके जो बैक कैमरा का। दोस्तों इसमें ट्रिपल कैमरा आपको मिलता है, एक वाइड एंगल कैमरा है और एक ब्लर कैमरा है, और इसका एक रियर कैमरा है जो आपकी पिक्चर लेता है। तो दोस्तों इसका जो बैक कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। यार मैं तो यकीन नहीं आ रहा कि 48 मेगापिक्सल इसमें कैमरा दिया गया यार, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, बहुत ज़बरदस्त। वो जो उसका बैक ब्लर कैमरा है वो आपको 20 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। दोस्तों इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। और 3D कैमरा, ऑटो फोकस, LED फ्लैश मिलता है आपको इसमें। और 16 मेगापिक्सल इसका बैक फ्रंट कैमरा है, जो काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा है। आप उसको जो है सेल्फीज़ वगैरह लेने के, पार्टी में सेल्फीज़ वगैरह आप लेते हैं तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है इसका कैमरा। अब इसकी बात करते हैं हम इसमें जो है सेंसर। तो इसमें सेंसर आपको कौन कौन से प्रोवाइड करती है डिवाइस, तो आपको सेंसर ही प्रोवाइड करती है। दोस्तों आप एक तो फेस लॉक आप लगाते हैं, जैसे फेस लॉक आपके फेस को देखे तो फेस खुल जाता है, आपके फेस को देख के आपका लॉक खुल जाता है। दोस्तों ये एक फेस लॉक आपको देते हैं इसमें, और इसमें आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट आप लगाएंगे तो फिंगरप्रिंट भी आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो है हम बात करते हैं अब इसके गेम्स वगैरह के। दोस्तों गेम्स के लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है, इसलिए कि इसकी रैम जो है 6GB रैम आपको इसमें देखने को मिलती है। 6GB रैम तो आप समझते हैं कि इसलिए कि 6GB रैम बहुत होती है। और इसकी जो स्टोरेज है, इसकी अपनी मेमोरी है, वो आपको मिलेगी 128GB। 128GB में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। और आपको जो इसमें कार्ड भी सपोर्टेड है, कार्ड आप लगा सकते हैं इसमें 256GB का। 256GB का आप इसमें मेमोरी कार्ड ऐड कर सकते हैं और पूरा कंप्यूटर बन जाएगा 6GB रैम के साथ। तो अब इसकी बात करते हैं हम इसकी जो बैटरी की। दोस्तों इसकी बैटरी जो है आपको 4800 mAh आपको बैटरी मिलती है, जो उसका बैकअप टाइम काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। इसलिए कि आपको जो 4800 mAh बैटरी दे रहे हैं तो उसका डिस्प्ले भी बड़ा है, और गेम्स वगैरह खेलने के लिए इतनी बैटरी दी जाती है आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से आपका पूरा दिन जो है बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। और अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।